इस विषय में आप जरूर सोचें। और जहां तक बस सेवाओं की अगर मैं बात करूं, तो मैं अभिभाषण में जो मैं पढ़ रही थी, इसमें लिखा था कि आम जनता की मांग पर निगम द्वारा 36 नई बस सेवाएं आरंभ की है। अरे वाह, इधर आरंभ की है और हमारी बंद कर दी है। मैं कहना चाहूंगी कि जो सराहा से खैरी रूट हमारा बंद है, सोलन से मानवा हमारा बंद है, शिमला से पुलवार जो बस सेवा वो हमारी बंद है, सोलन से खदर जो बस सेवा वो हमारी बंद है। मेरा माननीय मंत्री जी से, सरकार से निवेदन रहेगा कि जो ये रूट है उस रूट पर बस जल्दी से जल्दी चलाई जाए, ताकि जो आम जनता है उसको उसका लाभ हो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में वन मित्र योजना की शुरुआत की है, और साथ में जो जल शक्ति विभाग है उसमें पैरा पंप चालक, पैरा फीचर और मल्टी टास्क वर्कर की जो भर्ती भी होनी है। परंतु एक सोचने का जो विषय है वो विषय ये है, अगर मैं सिरमौर जिले की अगर मैं बात करूं, तो नाहन विधानसभा के लिए जो ये कुल पद है ये 40 है, और नौराधार जो कि रेणुका विधानसभा के लिए ये कुल पद 46 या 46 है, और शिलाई विधानसभा जहाँ पे हमारे माननीय मंत्री जी हैं वहाँ पर ये कुल पद 56 या 56 है, और हमारे राजगढ़ के लिए सिर्फ 20। कहीं ना कहीं ये अन्याय हुआ है और ये बहुत गलत बात है कि, और पौंटा के लिए भी 20। मैं पूछना चाहूँगी कि ये पद का जो वितरण है किस मापदंड पर तैयार किया है। मुझे लगता है कि जहां पर कांग्रेस के विधायक है वहां पर 40 और 50, जहां पे बीजेपी के वहां पे 20, ये बहुत सोचने का विषय है। और मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि पौंटा और जो राजगढ़ है इसके जो पद है इसको बढ़ाया जाए, ताकि वहां के भी लोगों को इसका लाभ हो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा था कि अपनी बात को कम समय में रखना है, अंत में केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस अभिभाषण में जो प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के लिए कुछ खास कार्य नहीं कर पाई है, इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नीरज नैयर जी चर्चा में भाग लेंगे। श्री नीरज नैयर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के इस धन्यवाद प्रस्ताव पे जो आज चर्चा रखी है माननीय सदस्य संजय रतन जी द्वारा, मैं उसके पक्ष में अपने आप को सम्मिलित करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तकरीबन 14 महीने हमारी सरकार बने हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है बागडोर जो है प्रदेश की संभाली है, और आते ही जैसे ही उन्होंने बागडोर प्रदेश की संभाली तो व्यवस्था परिवर्तन का एक नारा जो है हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने जो है दिया है। मैं पहली बार का विधायक हूं और मैंने, मेरा इंटरेस्ट रहता था, मैं पार्लियामेंट के जो है डिबेट्स भी सुनता था, और यहाँ जो हमारे विधानसभा के डिबेट्स भी होते थे। मैंने व्यवस्था परिवर्तन के नारे में एक चीज़ जो है मैंने ज़रूर पाई कि पहली बार हमें, मैंने एक ऐसी सरकार देखी है जिसने प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के ऊपर जो है चिंता रखी और उसके ऊपर एक रास्ता जो है उसके ऊपर एक निर्णय लिया और उसके ऊपर जो है आगे बढ़े। उसका उदाहरण ये है कि उसकी शुरुआत जो है, जो हमारी शराब के जो ठेके थे उसकी जो है नीलामी हुई। इससे पहले जो ठेके थे वो 10% जो है इंक्रीज के साथ जो है दोबारा उन्हीं लोगों को जो है दे दिए जाते थे। ये एक बड़ा फैसला था और मुझे लगता है कि इससे प्रदेश को जो है काफ़ी आय जो है प्रदेश की बड़ी है, तकरीबन 600 करोड़ रुपए की जो आय है प्रदेश को मिली है। उसके साथ ही जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारी प्रदेश की नदियां हैं जिसे हम हमारा बहता